हेलो फ्रेंड, मैं एसएन प्रजापति ड्रीम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर 10 मिसलिनियस विविध प्रश्नावली। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं मिसलिनियस का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जरा देखें पहला क्वेश्चन क्या है कि यक्स वाई तल में यक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 अंश का कोण बनाने वाले मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, जरा देखें यक्स वाई तल में, तो यह यक्स वाई तल हो गया, करें यक्स वाई तल में यक्स धन यक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, यह यक्स का धनात्मक दिशा होता है, यह प्लस यक्स होता है और इधर क्या होता है माइनस यक्स डैश और इधर वाई डैश। तो कह रहे हैं कि धनात्मक यक्स दिशा से 30 अंश का कोण वामावर्त दिशा में, वामावर्त का मतलब घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुइयां ऐसे चलती है लेकिन हमको कोण कैसे लेना है, ऐसे लेना है, मतलब यहां से 30 अंश का कोण बनाते हुए मात्रक सदिश ज्ञात करना है। स्टूडेंट, यहां पर क्या करना है हमको, मात्रक सदिश ज्ञात करना है। मान लिया कि यह ओ है, यहां पर कोई पॉइंट पी है और चूंकि यह मात्रक सदिश अगर वेक्टर ओपी है तो इसका मात्रक सदिश मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ओ से लेकर पी तक का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहां पर मान लिया यह पॉइंट यक्स है और यहां पर यह वाई है। अब हम करेंगे क्या, पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब यह अगर 1 है और यह 30 है तो P से लेकर M तक की लंबाई 1 sin 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो यहां से आ जाएगा 1/2। और OM इक्वल टू, तो OM इक्वल टू हो जाएगा 1 cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, मीन्स 1 × √3/2 करेंगे, यहाँ पर देखें यह 1 × है, 1 × करेंगे तो यहाँ पर आएगा √3/2। तो यह किसका मान हुआ, x का, और ये किसकी वैल्यू है, y की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जरा देखें ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू। तो इस तरह से पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट होगा, जरा देखें यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स, लिखेंगे OM इक्वल टू 1 cos 30, OM इक्वल टू 1 cos 30 की वैल्यू √3/2, OM इक्वल टू √3/2, देयरफॉर यक्स इक्वल टू √3/2, यह यक्स की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से किसकी वैल्यू निकालेंगे, वाई की, तो वाई किसके इक्वल है, PM के इक्वल है। तो यहां पर जरा देखें PM इक्वल टू, यहाँ पर साइन 30 जब लेंगे तो जरा देखेंगे PM, या ऐसे लिख लें साइन 30 इक्वल टू PM परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है 1, तो PM इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, मीन्स PM इक्वल टू 1/2। तो PM, P से लेकर M तक की लेंथ किसके इक्वल है, Y के, तो Y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर ये X की वैल्यू आ गई है। Therefore पॉइंट P, अतः बिंदु P जरा देखें किसके इक्वल हो गया, बिंदु P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3/2 और क्या हो जाएगा 1/2। Therefore वेक्टर OP, वेक्टर OP स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जा देखेंगे √3/2 i कैप प्लस 1/2 j कैप, इस तरह से। तो इस तरह से स्टूडेंट क्या मिल गया, वेक्टर OP, और यही क्या है, यूनिट वेक्टर है, यही वेक्टर OP क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो स्टूडेंट अब आते हैं विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। तो जरा देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है,
इसमें दिया हुआ है दो बिंदु P और Q, दो बिंदु दिए हुए हैं। यहां पर जरा देखें क्वेश्चन टू, कह रहे हैं कि बिंदु P एक्स वन वाई वन जेड वन, तो बिंदु P दिया हुआ है एक्स वन वाई वन जेड वन, और बिंदु Q दिया हुआ है एक्स टू वाई टू जेड टू। तो स्टूडेंट जरा देखें, बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु Q, P और Q को मिलाने वाले सदिश का अदिश घटक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात क्या करेंगे, वेक्टर PQ। जरा देखें वेक्टर PQ, वेक्टर PQ क्या हो जाएगा, सबसे पहले Q का पोजीशन वेक्टर, फिर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या हो जाएगा, Q का कोऑर्डिनेट से हम लोग वेक्टर बना लेंगे OQ। तो यहां पर जरा देखें वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP, इस तरह से। और वेक्टर OQ क्या हो जाएगा, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट से वेक्टर OQ बना लेंगे एक्स टू वाई कैप वाई टू जे कैप प्लस जे टू के कैप, और यहाँ पर जरा देखें माइनस पॉइंट P से वेक्टर OP बना लेंगे आई जे के का गुणा करके प्लस कर लेंगे एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। अब इस तरह से आई जे और के कॉमन बन जा रहा है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप, इस तरह से। यह फ्रेंड क्या आया, यह आ गया वेक्टर पी क्यू। अब कह रहे हैं कि इस वेक्टर का अदिश घटक, तो यहां पर अदिश क्या है, देखेंगे आई जे के गुणांक है। अतः पी क्यू के अदिश घटक वेक्टर पी क्यू के अदिश घटक क्या क्या हैं, यहां पर जरा देखें एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एंड जेड टू माइनस जेड वन, इस तरह से इसका ये क्या गया, अधिश घटक आ गया। अब क्या कह रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण कितना है, तो मॉड ऑफ पी क्यू, मॉड ऑफ पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट। जरा देखें फ्रेंड्स यहां पर अंडर रूट पी क्यू, तो यह हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन होल स्क्वायर। इस तरह से इस वेक्टर पी क्यू का यह परिमाण आ गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रेंड्स जरा देखें, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर जाती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। और जब इसी क्वेश्चन को एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की जब बुक में आप देखेंगे, तो यहाँ से है, यहाँ पर दिया हुआ है कि
वह उत्तर से 30 डिग्री के कोण पर पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। तब जब उत्तर निकालेंगे, तब सवाल लगाएंगे, तब आपका उत्तर मिलेगा जो कि इस बुक में दिया हुआ है, अन्यथा आंसर थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो फ्रेंड्स, आप उत्तर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, यहाँ पर जरा देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि जरा देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले ऐसे हम लोग दिशा बना लें, इधर होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और यहाँ पर क्या है, इसको ओ ले लेते हैं। तो कह रहे हैं कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ से सपोज के लिए ओ से चलती है 4 किलोमीटर, पैमाना मान लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर पर 4 किलोमीटर, तो ये हो गया 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर लड़की चलती है। कहाँ से चलना शुरू किया, ओ से चलना शुरू किया। जरा देखें, ओ से लड़की पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। करें उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में, जरा देखें फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, यह उत्तर है, ऐसे अगर बनाएं तो ये हमारा डायरेक्शन उत्तर का है। तो करें उत्तर से 30 डिग्री के कोण पर पश्चिम की ओर चलती है। जब पश्चिम की ओर चलेगा तो पश्चिम किधर है, इधर है, और जबकि इसी NCERT के इंग्लिश मीडियम के बुक में यहाँ पर दिया हुआ है कि उत्तर से 30 डिग्री के कोण पर पूर्व की ओर चलती है। तो जब पूर्व की ओर हम लोग निकालेंगे तो इसका जो I घटक आएगा वह -5/2 आएगा, और अगर हम पश्चिम की ओर निकालेंगे तो इसका जो I कंपोनेंट आएगा वह -11/2 आएगा। तो आप आंसर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जरा देखें, यहाँ से उत्तर से 30 डिग्री के कोण पर, जरा देखें, यह उत्तर से 30 डिग्री के कोण पर पश्चिम दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। इधर पश्चिम है, पश्चिम इधर है, 3 किलोमीटर चलती है, यानी यह हो गया 3 किलोमीटर, और फिर यहां पर चलकर क्या करती है, रुक जाती है। कह रहे हैं कि प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। प्रस्थान बिंदु कहां पर था, ओ, लड़की रुकी कहां पर है, यह, तो यानी यहां से यह विस्थापन हमको ज्ञात करना है। विस्थापन का मतलब वेक्टर ज्ञात करना है। तो यहां से इसको मिला दिया ऐसे ओ को, यानी अब हमको क्या निकालना है, वेक्टर ओ पी निकालना है। क्या निकालना है हमको, यही वेक्टर ओ पी निकालना है। तो ओ से लेकर पी तक की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या बनता है। तो जरा देखें, यह 30 है तो यह कोण कितना बनेगा, 60 बनेगा, 60, और यह 3 किलोमीटर है। तो जरा देखेंगे, ए मान लिया ओ से ए तक आया और फिर ए से पी तक चला गया, पॉइंट पी से इस पर लंब खींचा पी एम। तो अब हम करेंगे क्या, ए से लेकर एम तक की लंबाई निकालेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस, देखेंगे समकोण त्रिभुज ए एम पी में, ये राइट एंगल है, ए एम पी में जरा देखें, कॉस 60 इक्वल टू आधार बटा कर्ण, तो यानी ए एम अपान कितना, ए पी। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और ए एम इक्वल टू कितना आया है, ए एम इक्वल टू 3 है, तो 3, और यहां पे कितना लिखेंगे, ए पी की वैल्यू कितनी है निकालनी है, ए पी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, सॉरी ए एम निकालना है और ए पी 3 दिया हुआ है। तो इस तरह से जब हम लोग ए एम इक्वल टू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3/2। तो अब ओ से लेकर एम तक की दूरी कितनी हो जाएगी,
अतः OM, OM इक्वल टू कितना हो जाएगा OA प्लस AM। तो जरा देखें O से लेकर A तक की जो दूरी दी हुई है यहां पर वह है 4 किलोमीटर, OA इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो यहां पर जरा देखें OA इक्वल टू 4 और प्लस यह आया 3/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो OM इक्वल टू आएगा, यहां पर जरा देखें OM इक्वल टू 8 + 3/2 इक्वल टू 11/2। इस तरह से OM आएगा 11/2। अब हमको क्या निकालना है PM। तो जरा देखें पुनः समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज AMP, अब इसमें क्या लिखेंगे साइन 60 इक्वल टू, जब निकालेंगे तो साइन 60 इक्वल टू हो जाएगा PM अपान AP। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 और PM निकालना है और AP इक्वल टू 3। तो इस तरह से PM इक्वल टू आएगा 3√3/2। इस तरह से पॉइंट P का क्वाड्रेंट क्या बनेगा, पॉइंट P का क्वाड्रेंट अतः बिंदु P का निर्देशांक क्या बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं तो O से लेकर M तक की जो दूरी होगी इसको माइनस में रखेंगे, तो O से लेकर M तक की दूरी OM इक्वल टू हो जाएगा −11/2, और M से लेकर जो P तक की जो दूरी है या देखें MP या PM यह हो जाएगा 3√3/2 इस तरह से। और फ्रेंड्स इसको हम लोग x डैश जैसा और y डैश जैसा सपोज कर सकते हैं। तो इस तरह से पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बनेगा −11/2 √3/2। अब बिंदु O से P का विस्थापन निकालना है, कहने का मतलब क्या हुआ वेक्टर OP ज्ञात करना है, अतः वेक्टर OP इक्वल टू देखेंगे कितना हो जाएगा, यहां पर P का कोऑर्डिनेट आया है, यहां पर जरा देखें P का कोऑर्डिनेट आया है −11/2 √3/2 इस तरह से इसका वेक्टर OP लिखेंगे तो लिखेंगे −11/2 i कैप +3√3/2 j कैप। और फ्रेंड्स इस तरह से यही क्या आ जाएगा विस्थापन, अतः विस्थापन का मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। तो प्रारंभिक स्थिति इसका O है, अंतिम स्थिति P है, तो अतः विस्थापन सदिश कितना हो जाएगा, विस्थापन सदिश हो जाएगा −11/2 i कैप + 3√3/2 j कैप। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो आपका उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर −5/2 दिया हुआ है, तो वो क्या है कि इंग्लिश मीडियम के बुक में जो यहाँ से कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, तो पश्चिम की ओर नहीं दिया है, वो 30 डिग्री उत्तर से पूर्व की ओर। तो इसका जब हम लोग ऐसी फिगर बनाएंगे यहाँ से जब ले चलेंगे इधर तो वह उत्तर आपको मिलेगा, लेकिन आपके किताब में जो दिया हुआ है प्रश्न वो दिया हुआ है कि वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है, यानी उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो आपका आंसर आएगा वो आपका यह आएगा −11/2 i कैप + 3√3/2 j कैप।